मैं अवामी वर्कर्स पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा ताल्लुक अवामी वर्कर्स पार्टी से है। 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 मेरा ताल्लुक अवामी वर्कर्स पार्टी से। अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान के मजदूरों, किसानों, औरतों, तुलबा, अकलियतों और मजलूम कौमियतों की नुमाइंदा जमात है। हम इंसानी बराबरी पर यकीन रखते हैं। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जिसमें इंसान के हाथों इंसान का इस्तेमाल हो। हम एक ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जिसमें इंसानी जिंदगी दौलत और ताकत से ज्यादा कदर रखती हो। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें तबका, जिंस, कौम, फिरका और मजहब की बुनियाद पर ज़ुल्म और ज़्यादती न हो। ये सोच रखने वाले हम पहले लोग नहीं। पाकिस्तान में गरीब और महकूम अवाम की एक मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत बनाने की सियासी कोशिशें मुल्क के बनने के बाद से जारी हैं। 1960 और 70 की दहाई में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरमायादारी साम्राज्य और आमरियत के खिलाफ अवामी तहरीकों ने हुक्मरानों के तख्ते हिला कर रख दिए थे। इन तहरीकों को हराने के लिए साम्राजी ताकतों और अशरफिया ने रियासती जबर और इंतहा पसंद ग्रोहों का भरपूर इस्तेमाल किया। इन मुजालिम और अपनी अंदरूनी कमजोरियों के नतीजे में सोशलिस्ट तहरीकों की कमर टूट गई और वो बिखर गए। 1990 के बाद से हमारा तसलसल कायम ना रह पाया और हम एक लंबी पसपाई और जवाल का शिकार हो गए। साम्राजी ताकतों ने तारीख के खात्मे का ऐलान कर दिया और ग्लोबलाइजेशन के नए दौर ने सरमायादारी के हकायक पर पर्दा डाल दिया। लेकिन अब तारीख के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। अब तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक में बढ़ते तनाज़ात, बदअमनी और मुसलसल खाना जंगी ने साम्राज्य के असली चेहरे को फिर वाज़े कर दिया है। दूसरी तरफ यूरोप और अमरीका में मुआशी बहरान ने वहाँ के तबकाती और नस्ली तनाज़े समेत इन ममालिक के अशराफिया के अजायम को बेनकाब कर दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक बार फिर बराबरी और मुआशी इंसाफ पर मबनी सोशलिस्ट तहरीकें मंजर आम पर आकर साम्राज्यियत, सरमायादारी और नस्ली बर्बरियत का मुकाबला करने लगी हैं। 2011 में मिस्र और ट्यूनिस में नौजवान नस्ल की क़्यादत पर मबनी तरक्की पसंद तहरीकों ने दहाइयों से अवाम दुश्मन आमिरों के इक़्तदार से बतरफ कर दिया। स्पेन और यूनान जैसे ममालिक में आज सोशलिस्ट जमातें अवामी ताकत के बलबूते पर इंतखाबी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटानिया जैसे सरमायादाराना माशरों में भी जेरमी कॉर्बिन और बर्नी सैंडर्स जैसे सोशलिस्ट नज़रिया रखने वाले सियासतदान मंजर आम पर आकर मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी 2007 की आमरियत मुखालिफ तहरीक में एक नई नौजवान नस्ल में सियासी शऊर बेदार हुआ और इन्होंने पाकिस्तान में सोशलिस्ट सियासत का एक नया अज़म लिया। 2012 में बनने वाली अवामी वर्कर्स पार्टी का क़याम इन्हीं कोशिशों का एक नतीजा है। पिछले 3 बरस में हमने पाकिस्तान में मज़ाहमती सियासत का दोबारा आगाज़ किया है। अवामी वर्कर्स पार्टी इस मुल्क के मज़दूरों, किसानों, हारियों और मुज़ेरों के हकूक़ की जंग में अपना हिस्सा अदा कर रही है। हम इस मुल्क में मर्द की बालादस्ती पर कायम पेडरसरी निज़ाम के ख़िलाफ़ औरतों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए मुनज़्ज़म कर रहे हैं। हम इस मुल्क की कच्ची आबादियों में रहने वाले सैकड़ों शहरियों के लिए रिहाइश के हक के लिए अमली, सियासी और कानूनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस मुल्क में मज़लूम कौमियतों के हकूक़ के लिए एक मुनज़्ज़म आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में एक मुतबादल निज़ाम कायम हो। हम इस मुल्क समेत दुनिया भर में तबकाती इस्तेसाद, समाजी तफरीक, मजहबी और लिसानी बर्बरियत और सनफी नाबराबरी का खात्मा चाहते हैं। ये एक तवील और मुश्किल जंग है। आए इस अज़म में हमारा साथ दें और पाकिस्तान में बढ़ते हुए माशी तनाज़ात और तशद्दुद का इंतबाही तौर पर मुकाबला करें। आए और इस अज़म में हमारा साथ दीजिए। सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम।